लो जी, पूरे पाकिस्तान के लिए आज एक खुशखबरी है कि आपने शायद सईद अजमल के बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे। मेरा फैसलाबाद में जो जादूगर पकड़ा और लाखों लोगों ने मैं वो देखा, आज का इसलिए मुनफरिद है कि सरगोधा और फैसलाबाद इकट्ठे हो गए हैं, और जहां पर सरगोधा और फैसलाबाद इकट्ठे हो जाएं वहां पर बड़ी जुगते चलती है, मजाक चलता है। आज का इंटरव्यू इसलिए बिल्कुल चेंज होगा कि हम मैं सईद अजमल से पंजाबी में, और वो भी फैसलाबादी पंजाबी गल कर। शेख साहब की हाल है? ठीक है जी। कितने गायब हो गए? इतने ही हैं। कितने गायब होना जनाब? कई माड़े माड़े बॉलर भी खेडी जा रहे हैं, तुम फटाफट नसन की थी। मैं माड़ा नहीं, तेरे सामने मेरी सेहत सेहत तो मेरी ठीक है, माड़ा नहीं है, मगर छड़न दिल करता। 40 का हो गया तो मैं छाड़ी दा, तो मुसबा 44 का वो तो ठीक ठाक है, वो तेरे सामने खेडता भी तो पाया ए गहरी हो गई है। अच्छा शेख साहब, गल पुछनी है कि तुम भी इतने, सकलैन मुश्ताक भी इतने, तुसीफ अहमद भी इतने, पूरे पाकिस्तान स्पिनर एक भी नहीं है, यह जिम्मेदार तुसी है या कोई होर? देखो सानू जिम्मेदारी दोगे तो फिर ही जिम्मेदारी लवेंगे, अगर जिम्मेदारी देनी नहीं तो फिर तुम जितों मर्जी लभी जाओ नहीं लभना। मगर पाकिस्तान दे विच बहुत टैलेंट है, लिहाजा इनू शाइन किया जाए, और PCB इहदे उत्ते कोई काम करेगा, अगर सानू इनवाइट करेगा तो जरूर उन्हां दी हेल्प करांगे। तो तुहाडी अकैडमी कोई सही तरीके नाल कढ रही है, पुत्र दे वड्डे होण दा इंतजार कर रहे हो? पुत्र तो मेरा बहुत छोटा वा, उहदा मैं इंतजार करांगे तो पाकिस्तान बहुत पिछे रह जाएगा। बट जे है कि गल हो कि काम अच्छा करना चाहिए, अकैडमी के बच्चे छोटे है उन्होंने डिवेलप कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मुंडे अंडर 16 अंडर 19 आ रहे हैं फैसलाबाद की टीम च। इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि आने वाले वक्त अकैडमी अच्छे प्लेयर प्रोवाइड करेगी। अपने हफीज नाल क्यों ज्यादा होंगी? अब लोग सुनील नारायण बॉलिंग की जा रहा, उन्होंने मना करता, ये तो तुम की कहोगे? देख मैं हूँ की कह मैं कह कह के थक गया, जे सुनील नारायण बॉलिंग कर सकता तो साडा फीस तो उन तो बहुत चंगा, बहुत चंगा वा, और अगर वो कर सकता तो फिर मेरा क्यों हथ बनया? हाँ, मैं भी कर सकता। तो PSL सच्ची सच्ची गल करनी मानी गल, पहली PSL च रिकॉर्ड तमाशा ही सी दुबई च, दूसरी च घट होए, तीजी च कई घट हो गए, की वजह समझ दो? देखो इतने दे दुबई के हालात भी काफ़ी माड़े आए, काफ़ी बंदे ना छड़ के कंट्री चले गए, और PCB ने भी सोचना चाहिए कि चौथा जिहड़ा PSL एडिशन है ना कराना कितने, या पूरा इतने कराओ या पूरा उत्थे कराओ? नहीं, पाकिस्तान दे विच ही कराना चाहिए, कोशिश पूरी करो, क्योंकि यह जिन्ना क्राउड है साड़ी लीग खराब हो रही है, और लोग जान बुझ के खराब इनू कर भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक, असं चाह रहे हैं कि यह साड़ी लीग जिदा कामयाब हुई है पहले दूसरे एडिशन दे विच, इस तरह ही ये कामयाब हो तीसरे एडिशन दे विच। मगर यह कि अच्छी चीज़ यह है कि हो रही है, और मैं चाह रहा कि मेरी पाकिस्तान के जोड़े फैन है वो जो मिस कर रहे हैं PSL उ बैठ के देख रहे हैं, वो क्राउड ग्राउंड जाके देखे। जोड़ा थोड़ा नानका शहर है सरगोधा, ये उतु किसी जमाने बहुत प्लेयर आते थे, तुम्हें पता हफीज आया, मिसबा आया, समी न्याजी आया, अली वकास आया, असद अली आया, पत्नी आते ही है। फिर फैसलाबाद रीजन ने कोई ऐसा डका लाया तो कि हूँ उतु प्लेयर ही आने बंद हो गए, ये की हो रहा? लोग कहें जी सईद अजमल साहब के होंगे साढ़े ज्यादा हो रही। नहीं डका मैं नहीं लाया, सईद अजमल ने नहीं लाया डका, सईद अजमल का डका खोल अनवर चौधरी लाया, तो मैं पता है। देखो मैं अनवर चौधरी का भी कसूर नहीं, यह साढ़े अपने प्लेयर का कसूर है, उन्होंने आप चाहिए ना अगे होकर काम कर, जिस तरह मैं अपनी अकैडमी लिए काम कर रहा, बच्चों लिए कर रहा, मैं तो कहना जिन्हें मर्जी प्लेयर आके खेल मेरे को प्रैक्टिस कर, उन्होंने दसीए भी किस तरह खेलना। अगर तुम पिछले बह बह के कहो कि साढ़े ज्यादा होगी, ये तो गलत गल है, तुम आप भी तो मेहनत कर। देखो तुम भाई है, अली विकास में वनडे खिडाया ही नहीं, कभी थोड़ी टॉप चॉइस है? देखो मैं वनडे तो छड़ के आ गया, जो मैं T20 तो मैं तो खिलाया से, मगर हूँ मैं छड़ के आया, तो हूँ तो उन्होंने पता होना। खैर असी रीजनल सियासत च नहीं जाना, आखिरी सवाल हैगा वीरे, और हाले तक मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत तस्लीम करना कि तुसां मैनूं जवाबी जुगत कोई नहीं मारी तो ये दसो कि तुसी पाकिस्तान की PSL का की फ्यूचर वेख रहे हो, और अगर डोमैसटिक तगड़ा ना किया गया तो तुसी मेरे नाल एग्री करदे हो कि डोमैसटिक PSL की रौनक दिन ब दिन घटदियां जाणगियां, टैलेंट घटता जाएगा? बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। देखो PSL दे विच काफ़ी थर्ड एडिशन भी हो रहा, ये देखो आसफ अली हुसैन तलत आ, ये वो मुंडा अपना लैफ्ट आर्म स्पिनर की नाम आता कोयटा का यंग मुंडा जिहड़ा अंडर 19 पाकिस्तान वर्ल्ड कप का कैप्टन सी, वो भी बड़ा अच्छा बच्चा वा। ये नवाज़ बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा, शदाब खान एक बार भी PSL की पैदावार है, और हसन अली PSL की पैदावार है, बड़े अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं, और इन्हों वैल्यू बनानी चाहिए है। प्लस जिस तरह इनू बड़े सारे बंदे PCB दे मिल के इनू चला रहे हैं,
ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਮਗਰ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ। ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਗਾ ਅੱਗੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਨੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਂਸ ਦਿਓ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਲਿਆ, ਪਿੰਨ ਹਿਟਰ ਆ, ਲਾਈਕ ਰਜ਼ਾਕ ਐਂਡ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਓਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਪੀ 30-35 10 ਬਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਗਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਲੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਜ਼ਾਕਲਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਈਦ ਅਜਮਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਸੁਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਔਰ ਸਰਗੋਧੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਗਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖਿਲਾੜੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੀ